तो कांग्रेस का चल रहा है डीसी पे। हमारे सांसद साहब मुरलाल जी एक का नाम थोड़ी चले, ये तो जातिवाद हो गया। हम तो डीसी बेरवा भाई, हमारे हिसाब से तो डीसी बेरवा आना चाहिए। विकास तो जैसे होता रहा है वैसे हो रहा है। बाजी तो कोई मार सकता है दोनों में से, मैं डीसी को दूंगा अपनी बात। देखिए रात का समय हो गया है लेकिन चुनावी नगरी की चुनावी यात्रा अभी थमी नहीं है। अभी हम मौजूद है दौसा विधानसभा सीट पर, यहाँ का भी मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। जहाँ पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी डीसी बैरवा पर भरोसा जताया है, तो वहीं भाजपा ने इस बार किरोड़ी लाल मीणा के संघर्षों के बाद उनके भाई जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है, यानी कि उनको टिकट दिया है। अब देखना ये होगा, दो बड़े दिग्गज नेताओं की साख दांव पे लगी है। एक तरफ कांग्रेस के सचिन पायलट जो कि दौसा में बहुत बड़ा वर्चस्व रखते हैं, तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा जो दौसा में एससी सीट पर और बाकी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो अब देखना होगा कि ये मुकाबला किस तरह से जनता देखती है। तो आइए आपको ले चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं जनता से दौसा विधानसभा सीट के रुझान। आइए, दिन भर की कवरेज के बाद हमारी चुनावी नगरी की जो टीम है वो पहुंची है दौसा विधानसभा सीट पर। देखिए रात का समय हो गया है और कुछ एक चौपाल टाइप यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि दौसा विधानसभा सीट पर क्या रुझान चल रहे हैं। तो आइए जनता से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी जी, क्या लग रहे हैं इस बार, क्या समीकरण बैठ रहे हैं? समीकरण तो यही है साहब, जनता के ऊपर डिपेंड है। अभी वो तो कई लोग तो सभी तरह का मामला, आदमी जब इच्छा हो जो भाई साहब आप इसको वोट दो, इच्छा के ऊपर है सारी बात। आप क्या चाहते हो कि कौन किसकी सरकार आनी चाहिए? हम तो यही चाहते हैं, हम तो मजदूर करने वाले आदमी हैं। हम तो हमारे ऊपर मजदूर को ये दे। तो आपका कुछ मत होगा ना कि आप किसको चाहते हो, किसकी कौन सी सरकार आनी चाहिए, क्या विकास के मुद्दे हैं? इसके बारे में तो अपन नहीं समझते हैं साहब कुछ भी। आप वोट किसको दोगे? वोट तो अभी तो मन का साहब, ये तो किसी को पता चलेगा कि भाई वोट वोट का नहीं बताओगे, लेकिन ये तो बताओ कि सरकार आप किसकी चाहते हो, किसकी आनी चाहिए। और आपके यहाँ से तो निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। मैं तो कुछ बोल नहीं सकता इस बात के बारे में, ये नहीं बोल सकते, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। जी सर, आपका क्या नाम? मोहनलाल जी, मेरा नाम। मोहनलाल जी, क्या समीकरण बैठ रहे हैं इस बार? यहाँ पे तो कांग्रेस का चल रहा है, डीसी बैरवा का। कांग्रेस का चल रहा है, तो जो किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं जगमोहन मीणा, तो किरोड़ी जी का एक अच्छा खासा वर्चस्व है दौसा में, तो आपको नहीं लगता कि वो इस बार सीट निकाल दें? वो अभी बताया था भाई ने कि जनरल सीट पर वोट उनके ऐसे ने खड़े हुए हैं, तो दूसरा आदमी भी खड़ा हो सकता था। क्या उनके परिवार में ये सीट जाने के लिए तैयार हैं? यह है बात। और बाकी दौसा से क्षेत्र में काम का कारोबार होना चाहिए, काम खुलना चाहिए, कोई फैक्ट्री इलाका हो तो काम बढ़े। मजदूरी कॉलोनी है तो ऐसे मजदूरी छोटे मोटे काम करते हैं, और कोई काम के महत्व नहीं है यहाँ पे। काम का महत्व है, और लोगों से हम बात करें। जी आपका क्या नाम? मेरा नाम भीम सिंह माहौर है। भीम सिंह जी, क्या विकास के मुद्दे हैं इस बार दौसा में, क्या लगता है? विकास की तो ऐसे हैं कि हमारे सांसद साहब मुरलाल जी जनरल सीट पे एक का नाम थोड़ी चलेगा, घरवाली भतीजा खुद ये तो जातिवाद हो गया, तो जनरल सीट पे जनरल को टिकट मिलना चाहिए। जनरल की सीट पे जनरल को मिलना चाहिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं, मतलब विकास के मुद्दे क्या हैं इस बार, क्या रुझान लग रहे हैं कि किसको? हम तो डीसी बैरवा को। डीसी बैरवा को चाहते हैं, कारण? वो क्या हमारे लोकल आदमी है और हमको सपोर्ट भी करते हैं, एससी का आदमी लोकल है, सपोर्ट करते हैं। जी आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कमल किशन मावर है। जी क्या लग रहा है इस बार दौसा में, क्या कौन बाजी मारेगा? अरे अब ये तो कह नहीं सकते हैं कौन बाजी मारेगा, ये तो जिसके किस्मत में राज होगा, इस बात को आप भी जानते हो। आपको क्या लग रहा है कि कौन आना चाहिए? भाई हमारे हिसाब से तो डीसी बैरवा आना चाहिए। किरोड़ी जी जो अच्छा वर्चस्व रखते हैं, तो इस बार बताया जा रहा है कि किरोड़ी और पायलट के बीच में एक बड़ी जंग है, कि उनका भी एक दौसा से बहुत पुराना रिश्ता है और किरोड़ी जी का तो खैर है ही, तो क्या लग रहा है इस बार बराबर की टक्कर है? नहीं सर, इस बात को तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन भाई दोनों पार्टियों में टक्कर है, इस बात की तो हम कह सकते हैं भाई दोनों पार्टियों में टक्कर है। अब इनमें से देखो कौन निकलता है।
बार विकास के मुद्दे क्या रहेंगे दौसा विधानसभा सीट? अब विकास तो क्या है कि विकास तो जैसे होता रहा है वैसे हो रहा है इंडिया के अंदर, तो आपको भी पता है कि इंडिया में क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप चाहते हो कि आपके चुने हुए विधायक से आपको क्या उम्मीदें हैं कि क्या विकास होना चाहिए, तो उसके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे हिसाब से तो हमको तो भाई जैसे कि हमारे हमारे मोहल्ले बस्ती में हमारे दौसा जिले के अंदर बढ़िया फैसिलिटी चाहिए हमको, तो जैसे और सीटियों में होती है जैसे और सीटियों के विधायक भी करते हैं वैसे हमको भी फैसिलिटी चाहिए ना। क्या क्या कमियां हैं या क्या समस्याएं हैं? क्या कमियां हैं यहाँ तो बस एक पहले से एक पार्क बनवा है नेहरू गार्डन, बस उसके अलावा और कोई चीज़ है नहीं है देखने की। एक अपना देवनगरी अपना नीलकंठ है, उसके अलावा और कोई चीज़ है नहीं देखने की, तो ऐसी चीजें बन पर्यटन में सुधार होना चाहिए। हाँ, पर्यटन में सुधार होना चाहिए, जो अपने भी कोई पर्यटन भी आया इधर भी जी। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? रविशंकर। रविशंकर जी क्या लग रहा है इस बार दौसा में, क्या समीकरण है, कौन बाजी मारने वाला है? समीकरण तो चल रहा है, बाजी तो कोई मार सकता है दोनों में से। नहीं, आप क्या चाहते हैं, किसका मतलब परचम इस बार भारी है? और डीसी बेरवा। कारण? कारण कौन होगा, तो अब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। तो किरोड़ी लाल मीणा जो है उनके भाई खड़े हुए हैं जगमोहन मीणा, किरोड़ी जी का एक अच्छा खासा वर्चस्व है, तो आपको नहीं लगता कि इस बार देंगे? ऐसी बात थोड़ी, एक वोट तो हम भी तो देंगे उसको। आप भी दोगे? तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि डीसी बैरवा? मतलब पब्लिक का कहने का मतलब ये है, पब्लिक ज्यादा उस चीज को दे रही है। पब्लिक ज्यादा उस, आप किसको दे? मैं डीसी को दूंगा अपनी बार। कोई कारण रहा होगा? कारण नहीं है, आपकी मन से आपकी बार पहली बार उसको। विकास के मुद्दे क्या है दौसा विधान? विकास के मुद्दे तो सभी है, विकास तो कुछ भी नहीं है। ये देख लो सब कचरे पट्टी पड़े हैं यहाँ पे, कोई सफाई नहीं होती है, दो दो चार चार महीना होगा आज तक कोई झाका को ना, नाले भरीज है, पानी कौन, विकास तो का ही कौन, कुछ विकास नहीं है। 15-20 मिनट नड़ाओज है, एक टंकी पानी को भरे पूरी। तो आपके चुने हुए विधायक से आपको क्या क्या उम्मीदें हैं कि वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे? अब उम्मीद तो विकास सभी हो, जनता को जी विकास से सभी हो, सभी विकास हुए। विधायक को का ही काम उधर से कि भाई आपको ये करना है, तो वो अब अगले आदमी नहीं करना चाहते हैं, कर्मचारी नहीं करना चाहते हैं, तो वो बात एक अलग है। कर्मचारी नहीं करना चाहते भाई? कर्मचारी तो नहीं करते, इस बात को तो आप भी जानते हो भाई, कर्मचारी तो नहीं करते ना, विधायक थोड़ी आएंगे खुद करने। तो वो तो विधायक के पास ही पावर है कि वो करवाएंगे। विधायक जी तो वहां से ऑर्डर करेंगे भाई, उनके पास कितने वो है, कितने आदमी है, कितने नहीं है भाई, उनके हिसाब से वो तो काम करेंगे, विधायक थोड़ी करेंगे काम इस काम को। अगर उनकी वो भेज देते हैं शिकायत कि भाई उस जगह ये प्रॉब्लम है, तो वो भेजेंगे ना, चाहे मेंबर साहब हो चाहे से कोई भी हो, वो क्या बोलते हैं उसको चेयरमैन साहब, बताइए वो तो शिकायत लिखेंगे। अब वो शिकायत का निचले हिस्से पर भी आपको समस्याएं हैं कि लोग जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से नहीं सुनते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद। चेयरमैन का भी विकास को नहीं है, देखो कांग्रेस सरकार नगरवासी चेयरमैन पाए भी को नहीं, काम पूरा में गंदगी गंदगी फैल रही है, ठेले ठेले तो कोई रोड को बने खाड़ा पड़े सब। चुनाव प्रचार के दौरान जब पार्टी के प्रवक्ता और जो प्रत्याशी आते हैं तो आप लोग नहीं देखते हैं? वो देखते नहीं है, आप दिखाते नहीं है क्या? वो तो देखते नहीं, प्रचार के लिए आते हैं चल जाते हैं, बस वोट के लिए आते हैं, दोबारा कोई आता नहीं है। आप लोग नहीं कहते हैं कि आप वोट मांगने आए हैं? सुनता ही नहीं है, कौन सुनेगा, खूब रोजीना फोन करे थे शिकायत पत्र पर, कोई सुनता नहीं, पड़े जी जाएगी जी, कोई दो दो तीन तीन महीना में सफाई हो जाए क्या। तो ये है जो दौसा की जनता का रुझान, जिनका कहना है कि इस बार विकास के मुद्दों को लेकर के वोट किया जाएगा, लेकिन विकास यहाँ पर नहीं दिख रहा है, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, लेकिन विकास के नाम पर कोई भी पार्टी आगे आने को तैयार नहीं है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा और 26 नवंबर का दिन बताएगा जब रिजल्ट होगा, लेकिन 13 तारीख को वोटिंग होने वाली है और वोटिंग के बाद 26 तारीख को पता चलेगा कि इस बार किसका परचम लहराएगा। आप देखते रहिए द नगरी मीडिया, मैं हूं अभिजीत शर्मा।